हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुदीक्षा फ्रॉम माय कॉलेज बड़ी एंड आज हम बात करने वाले हैं डीयू के टॉप 5 काउंसलिंग रूल्स के बारे में, जो डीयू एस्पिरेंट्स के लिए एक टाइप की एडवाइजरी है। डीयू के ऑफिशियल नोटिसेस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड होती है, जो है admission.du.ac.in। तो आपको किसी थर्ड वेबसाइट के थ्रू ये सारे नोटिस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, कैंडिडेट्स हु विश टू सीक एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस नीड टू अपेयर फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 एग्जाम एंड एज वेल एज फिल द फॉर्म फॉर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट 2023 एग्जाम। मतलब जो स्टूडेंट्स डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें CUET में अपेयर करना पड़ेगा। अब काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि CUET में रैंक तो आ गई, लेकिन अब आगे क्या करना है? डीयू का अलग सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? जी हाँ, करना पड़ेगा। डीयू का एक काउंसलिंग पोर्टल होता है जिसको कहते हैं CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। आपको यहाँ पे जाके अपने प्रेफरेंस लिस्ट पे जो जो कॉलेजेस डीयू के अंडर है आपको वो फिल आउट करना पड़ेगा। तो अभी CSAS के पोर्टल्स ओपन नहीं हुए हैं, तो आप बस CUET के लिए पढ़ो। बट जब हो जाएंगे तब हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे, सो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंटर, वेल फिलिंग द CSAS फॉर्म द कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर देयर कॉलेजेस एज वेल एज प्रोग्राम्स। मतलब जब आप CSAS का फॉर्म भरेंगे आपको अपने कोर्सेज के लिए प्रोग्राम्स भी चूज करने पड़ेंगे एंड वही कोर्स जिसके लिए आपने CUET का एग्जाम दिया है, आपको उसको ध्यान में रखकर ही पूरा फॉर्म फिल करना है, आपका अपना प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना है। एंड बिसाइड दिस आपके लिए हम पूरा प्रेफरेंस लिस्ट भी एक्सप्लेन करेंगे जब वो DU खुद ऑफर करेगा ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंटर, DU की एक कंप्लेंट है कि पिछले साल काफी स्टूडेंट्स ने बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी कोर्स वोर्स देखे, बस एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल कर दिए थे। बट इस बार उनकी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको उस कोर्स के बारे में प्रायर नॉलेज नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए मत अप्लाई करो। और भी कोर्सेस है DU में अवेलेबल जिसके लिए आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बस एक कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। वो कोर्स आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, वो कोर्स में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए एंड वो आपके CUET में जो आपने कोर्सेस चूज करे थे उससे रिलेटेड भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंटर आपका है यही, आप प्रेफरेंस देने से पहले उस कोर्सेस के सिलेबस से एकदम गो थ्रू कर ले ताकि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आते हैं लास्ट पॉइंटर की तरफ, यहाँ पे DU ने बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन कर रखा है कि DU में एडमिशन CUET के रैंक के बेसिस पर ही होगी। आपकी 12th की मार्कशीट, यहाँ पे किसी नेशनल लेवल के टेस्ट के रैंकिंग नहीं मैटर करेगी। यहाँ पे कोई भी मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ऑल्सो अगर आपने यहाँ पे अपनी एक सीट फ्रीज कर दी है वो फिर से चेंज नहीं होगी, ना कोई रिफंड मिलेगा ना आपको फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक मेंशनड है। अगर आपको कॉलेज से कोई भी क्वेरी या डाउट है आप वहां जाके हमारे कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।